हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने बेटे अबू जेटली की हल्दी सेरेमनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कई बार पूछ रहे हो कि बेटे का नाम क्या है, तो अबू नाम है और जेटली हम लोग का सरनेम है। हम लोग सारे लोग ब्राह्मण हैं। आप लोग ये भी मैसेज कर रहे हो कि आप कौन से ब्राह्मण हो, सिंधी हो, क्या हो, तो हम लोग ब्राह्मण हैं, सारे लोग ब्राह्मण हैं। और ये जो है मेरी ननद थी, यानी कि अबू की बुआ, जो है पहले तेल चढ़ा रही हैं। और सबसे पहले जो है बुआ या घर की लड़कियां ही करती हैं, तो बुआ पहले तेल चढ़ा रही हैं, फिर हल्दी लगा रही हैं। तो ये हम लोगों में भी होता है और आप लोगों में भी होता होगा कि सास सुहागने तेल चढ़ाती हैं और हल्दी सभी लोग लगा देते हैं, घर के लोग। तो हल्दी मतलब कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो तेल है वो सात सुहागने या 11 या 5 इस तरह से करती हैं। तो ये करें। ये जो है ये मेरी पंजाब से आई हुई है मासी जी की बहू है, मेरी मासी जी की बहू है। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है और ये जो है मेरी ननद जी की बहू है, जो चश्मा लगाए हैं, जो अब कर रही हैं, ये हल्दी लगा रही हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर भी की है, जिससे आपको पता भी चलेगी कौन कौन है, और थोड़ी सी आवाज़ धीमी भी कर दी, ये मैं हूँ। तो यहाँ पर जो है हल्दी, ये जो है शादी जो है बंगाली स्टाइल में भी हुई है, मतलब बंगाली रीति रिवाज से भी हुई, क्योंकि लड़की जो है बंगाली है। और आज मैं पूरी आपको डिटेल में बता दे रही हूँ, बंगाली है और हम लोग ब्राह्मण हैं, तो शादी बंगाली जो है रीति रिवाज से भी हुई है और जो है मतलब हम लोगों के रीति रिवाज से भी हुई। तो बंगाली में होता है कि जो लड़के की हल्दी लगती है वही हल्दी जो है लड़की के पास जाती है। तो अभी मैं आपको ये वीडियो में लड़के की हल्दी दिखा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है लड़की की हल्दी भी दिखाऊंगी। शायद वो वीडियो मेरा जो है सीमा जेटली चैनल पर जाएगा। ये मेरी बुआ जी की बहू हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारे, ये चाचा जी की लड़की आई है, ये जो यहाँ पर खड़ी हुई है चुन्नी ली हुई है। तो इस तरह से हल्दी की रस्म हुई। आप लोगों का भी ऐसे ही होती होगी, सब लोग लगाते हैं, मस्ती करते हैं। और कहते हैं ना कि जो कोई भी कुंवारा बच्चा है और उसके अगर जिसके हल्दी लग रही है वो उसकी हल्दी उसको लगा दी जाए, तो साल भर के अंदर उसकी भी शादी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब हंसी मजाक भी चल रहा है। और ये देखो सब इसका पैजामा करा रहे, भाई पैजामा तो ऊँचा करो, नहीं तो पैरों में तो हल्दी लगी ही नहीं है। और सब फ्रेंड वगैरह हैं, कुछ घर के रिश्तेदार हैं, मतलब दीदी के ननद का बेटा भी है, तो सब लोग मिलके लगा रहे हैं। ये इसके दोस्त हैं, मेरी जो सिस्टर है उसके भी बच्चे हैं। तो हल्दी की रस्म इस तरह से लगा रहे हैं अंदर तक। और ये आप लोगों में भी होता होगा, अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। तो मैं इधर वीडियो दे नहीं पाई आपको, एडिट करने में भी रही और कुछ टाइम की भी, क्योंकि जो शादी के बाद क्योंकि थकावट हो जाती है सब सेटिंग करने में, वो आप लोग समझ सकते हो। और मैं घर में खुद अकेली करने वाली हूँ, तो सब वही सब समेटा समाटी में तो वीडियो नहीं दे पाई। अब आपको इस तरह के पूरी जो है शादी की सीरीज मिल जाएगी, अपूर की शादी की। और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगी, अपूर जेटली शादी की, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि हम लोग के ब्राह्मणों में किस तरह से शादियाँ होती हैं। और ये इसका फ्रेंड है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है स्पीड भी बढ़ा दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता। और ये मेरी फ्रेंड है, इसको तो कई बार आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, ये भी आई है। और हम लोग ने 5-6 दिन खूब इंजॉय किया, खूब ज़्यादा ही इंजॉय किया, मज़ा आया। और बेटी की शादी में माँ कितना खुश होती है ये तो आप जान ही सकते हो। तो भाई मेरी एक ही औलाद है और वो भी उसकी शादी, तो आप समझ सकते होगे कितना काम का प्रेशर। कई कई जगह तो मैं हंसी भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना काम की टेंशन थी, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं कुछ सोच रही हूँ ऐसा हर समय। काफ़ी देर तक मेरे फेस, अभी तक तो मैं ठीक थी, उसके बाद जब तिलक और उसके बाद शादी, उसने इतने सारे टेले और सोना बिल्कुल भी, तो मेरे चेहरे पर हंसी कम आ रही थी और ऐसे टेंशन ज़्यादा दिख रही थी। आगे वीडियो में आप देखिएगा, क्योंकि जब आपके घर में होता है ना, तो आपको भी लगता है कि सब काम अच्छे से राजी खुशी हो जाए, तो उसकी टेंशन फेस पे दिख जाती है। यहाँ पर फिर फोटोग्राफी हुई, ये जेटली जी मतलब मेरे हस्बैंड बैठे हैं, ये फिर सारी फोटोग्राफी हुई, सारी बहनें हैं। और ये आ गई मौसी जी, खूब एंजॉय किया, मज़ा आया। और हल्दी चढ़ने के बाद बहनें जो है भाई की आरती उतारती हैं, इस तरह से आरती करती हैं, इसके बाद बहनों को नेक दिया जाता है। नेक तो है, शादी है तो सबको बार बार नेक देना ही पड़ता है। और सब अपना अपना कैमरा खोले हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर फिर फोटो सब खिंचा रहे हैं,
और ये मैं और हस्बैंड और बेटू। अब मैं बेटी की जो है मतलब पल्लवी, उसका नाम है बहू का, उसकी भी हल्दी की वीडियो मैं डालूंगी सीमा जेटली चैनल।